आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, क्योंकि जिसमें आज खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला के दो शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में मिनट टू मिनट की पूरी डिटेल खोलकर रख दी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या के लिए 8 बार रेकी की गई और 9वीं बार शूटर इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुए। मूसेवाला के मर्डर से उठा पर्दा, दो शूटर्स ने कत्ल का खोला चिट्ठा। पंजाब में हत्या, गुजरात से गिरफ्तारी। डीकोड हुई वारदात की थ्योरी सारी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे हुई, किससे मूसेवाला पर कितनी गोलियां चलाई, बोलेरो में कौन आया और कोरोला में कौन सा कातिल था, कितने मॉड्यूल ने हत्याकांड को अंजाम दिया, कनाडा से कैसे मर्डर का पूरा प्लॉट रचा गया, इन सब सवालों का जवाब अब मिल चुका है। कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी इस जो आइडेंटिटीज हैं एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टेब्लिश कर पाए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मूसेवाला के दो शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को गुजरात से पकड़ा गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 शूटर और 1 सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें प्रियव्रत उर्फ फौजी एक शूटर है, जो कि पूरे बताया जा रहा है कि पूरे मामले में 2 मॉड्यूल काम कर रहा था, जिसमें से 1 मॉड्यूल को लीड कर रहा था प्रियव्रत फौजी। साथ ही साथ उसके साथ दूसरा जो शूटर है वो कशिश है और तीसरा केशव, जो कि सहयोग किया जिसने इन शूटरों को भागने में। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 शूटर को आइडेंटिफाई किया था, जिसके बाद लगातार इनकी धरपकड़ के लिए कवायद की जा रही थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात से इन 2 शूटर के साथ साथ इस पूरे मामले में इनके सहयोग करने वाले 1 सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2 शूटर्स पर शिकंजा कसने के बाद पुलिस को मालूम चल चुका है कि बोलेरो और कोरोला कार में कौन कौन सवार था, कैसे 2 मॉड्यूल बनाकर मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे, दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था, अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। पुलिस ने शूटर्स के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। 8 high explosive grenades अलोंग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE-36 HE grenades थे, they were for use विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं, 1 assault rifle मिली है विद 20 rounds, 3 sophisticated star pistols मिले हैं ऑफ 0.30 बोर, 36 round इनसे 7.62 mm star pistols के मिले हैं,
और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 4 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया गया। अब पुलिस को उम्मीद है कि इनसे पूछताछ के बाद वारदात में शामिल बाकी आरोपियों पर भी जल्द शिकंजा कसा जा सकेगा। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, थैंक्स नाउ नव भारत।